Hey guys, what's everybody? So guys, welcome back to my channel with a new video. So guys, अभी मैं उत्तराखंड अपने गांव आया था घूमने के लिए. तो मुझे अभी 14 दिन तक का मेरा क्वारंटीन कर रखा है. तो गाइज, मेरे जो यहाँ पे ये जो स्कूल है, यहाँ मैं क्वारंटीन हो रखा हूँ. और जो यहाँ पे ये जो है ना, ये स्कूल, ये पहले स्कूल था. तो गाइज, ये 60 साल पुराना स्कूल है और ये बिल्कुल खंडहर बन चुका है. और गाइस, मैंने थोड़ा कुछ यहाँ पे देखा देखा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. सो गाइस, यहाँ पे ये स्कूल है, पुराना स्कूल, इसको 60 साल हो चुके हैं बने हुए, पर अभी पूरा खंडर बन चुका है. देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कमरे हैं. एक उधर कोने भी है, 7 कमरे हैं. तो मैं आपको उनको भी दिखाऊँगा, मतलब करूँगा कुछ. तो देखिए, पहला कमरा हमारा ये है, पहला कमरा हमारा ये है. मतलब अलग अलग कुछ बना हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें कुछ कुछ क्या, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है. कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, क्योंकि मुझे यहाँ से रात को यहाँ पे मुझे आवाज आई थी कुछ, तो वही मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे आकृतियाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं, चेहरे वेहरे बना रखे हैं और कुछ लिखा लिखा भी हुआ है. देख रहे हैं आप ये क्या करती, क्या मतलब किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ये नीचे भी है, ये की है, रह गए क्यों बनाई है ये आकृतियाँ सारी. और ये सबसे बड़ी वाली, ये तो बहुत क्रिपी लग रही है, क्रिपी टाइप. ये इसकी आँख कैसे जा रही है ऊपर, क्या है मतलब. वाइज अभी आपको दिखाऊंगा दूसरा वाला कमरा, वो थोड़ा मतलब उसको मैं जब मैंने देखा था उस कमरे को, तो यार मैं कुछ शौक हो गया था. वो क्यों तो बताता हूँ आपको मैं. तो ये है कमरा, मेन कमरा ये है जहाँ मैंने देखा और कुछ मतलब मैं बिल्कुल शौक हो गया था कि यहाँ पे ये क्या मतलब क्या है ये. तो पहले गेट, वाइज ये चेहरा से बना हुआ है, ये गेट पे बना हुआ है, ये तो बस लिखा हुआ है. और यहाँ पे कम वेलकम लिखा हुआ है, मतलब क्या कौन लिखेगा ऐसा वेलकम, वो भी इस कंट्री से, में कौन लिखेगा ऐसा. सो भाई, मुझे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आई थिंक मुझे आपको क्या पता आ रही हो नहीं आ रही हो, पर मुझे आ रही है आवाज़ें. मुझे सही है, मुझे आवाज़ आ रही है. छोड़ो, चलते अंदर, हम चलते अंदर, गेट खटखटा के, गेट खोल के. सब यहाँ पे कुछ गोबर वोबर पड़ा हुआ है, गाय का ही हमारा गाय होती है वैसे तो. सो ये कुछ देखिए, इस तरह से यहाँ पे क्लास ही लगती थी पहले, पहले जब मैंने देखा है ये मैं नहीं देखा था. लिखा है डोंट इरेज दिस, मतलब क्यों क्यों लिख, कौन क्यों कोई यहाँ पे इसको इरेज करेगा, पता नहीं. मतलब कुछ कुछ लिखा हुआ है, सब मैं समझ नहीं आ रहा क्या क्या लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है कुछ कुछ. यहाँ पे कुछ कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 आकृतियाँ. आई ऑलवेज लव, ये दिल, हार्ट शेप और लिखा हुआ रास्कल्स माई जान, मतलब क्या किसने लिखा है ये, या तो किसी बच्चे ने लिखा है या तो यार मतलब
इसका मतलब क्या है? लो मर चुका है। समथिंग इज बेटर टू बी अलोन, व्हाट इज दिस। और भाई सबसे मेन, जब मैंने देखा और मैंने देखा कि किसने लिखा होगा, सबसे मेन यहाँ पे अबेंडेंट जो, मतलब जो क्रिपी, बहुत क्रिपी लगा मुझे वो, लगा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड है और इसके ऊपर लिखा है स्माइल बना के, जो यहाँ पे कुछ लिखेगा उसको दंड मिलेगा, जो यहाँ पे कुछ लिखेगा उसको दंड मिलेगा। याद है कि बच्चे ने लिखा हुआ है, शरारत कर रखी है या तो कुछ हो रही है, और कुछ और क्या है वो सोच सकते हो कि क्या है। मुझे यार, मुझे डर लग रहा है, अभी दोपहर में मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है और ब्लैक बोर्ड पे, वो यार एक बात और कि यहाँ कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे ये हुआ होगा रिकॉर्ड, बी सीरियस फक ड्यूड, मतलब बी सीरियस ऊपर लिखा है और उस पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे कुछ लिखेगा उसको दंड मिलेगा। और यहाँ ब्लैक बोर्ड बिल्कुल, वही भाई ब्लैक बोर्ड बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए सो गाइस, अब मैं एक रिस्क लूँगा, मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिखूँगा और मैं यहाँ पे रात को भी आऊँगा देखने के लिए। तो गाइस मैं लिखूँ या ना लिखूँ कमेंट करके बताओ यार, कमेंट करके मेरे लिए और प्रे करना। तो यार लिखूँ या नहीं लिखूँ, लिखूँ या नहीं लिखूँ, लिख लेते हैं। पर यार पता क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मैं और मेरी दादी, बस हम दोनों ही, और कोई नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे आस पास कोई घर भी नहीं है, तो वो थोड़ा डर लगता है मुझे। तो लिखते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। ढूंढते कुछ लिखने के लिए यहाँ पे, कुछ लिखने के लिए हो तो। सो गाइस, बहुत कुछ यहाँ ढूंढने के बाद मुझे एक पत्र मिला है जो वाइट रंग का है, तो आइए इसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलते हैं, ये है बड़ा। और गाइस यहाँ पर मतलब कुछ अजीब सा लगता है, यहाँ खड़े होने में मतलब सही, बाहर से कोई देख रहा हो या बात कोई चल रहा हो, ऐसा होता है महसूस। चलिए जय भैरव बाबा, टाइटिंग आपको नहीं दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, पर लिख दिया जय भैरव बाबा। और ऐसा भी दो तीन कमरे हो रहे हैं, वो देखते हैं और यहाँ पे रात को आएंगे और देखेंगे क्या होता है हमारे साथ। सो बने रहिए, अभी 1 2 3 4 5, 5 कमरे हो रहे हैं। हमने अभी ये वाला कमरा और ये वाला कमरा देख लिया, अब देखते हैं अगला वाला कमरा। सो वैसे तो इन 3 कमरों पे ताले लगे हुए हैं, इस पे, इस पे और इस पे, इन 3 कमरे पर ताला लगे हुए, तो इनको तो कहाँ से देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसके तो आवाज़ ही क्रिपी है, बहुत ही क्रिपी आवाज़ है। ये है कुछ इस तरह से एक कमरा है। तो गाइस ये कमरा बिल्कुल साफ है, देखिए
फरसा पूरा, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसको नहीं देखते, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, साफ कमरा है। लास्ट कमरा ये है, ये थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पे आग लगी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये पुराने वाले जो स्कूल होगा उसका शायद किचन होगा, क्योंकि पूरा काला पड़ा है। तो भाई से जो हमारा ये पुराना स्कूल था उसका ये किचन है, ठीक है, देख लेते हैं आप। यहाँ पे आप, यहाँ पे चूल्हा होगा बना हुआ, यहाँ पे चूल्हा था, यहाँ पे चूल्हा था, यहाँ सामान रखने के लिए था। तो भाई ये किचन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ मिला तो है नहीं। अब जो वो वाला कमरा है ना, बीच वाला कमरा जो है उसको हम रात को भी आएंगे। सो गाइस मिलते हैं हम रात को। सो गाइस यार एक बात हो चुकी है हमारे गांव में, वो बात ये है कि हमारे गांव में जो है मतलब पहाड़ी इलाका था, बाग वाग होते हैं मतलब शेर वगैरह, तो हमारे गांव में हो चुका है शेर। तो यार मतलब रात को निकलना मना कर रखा है कि रात को नहीं निकलना, फिर यही मतलब 6 बजे के बाद तो हम फोन नहीं कर सकते बाहर। अब बाघ आ रहेगा उसने, और हमारे गांव में उसने एक गाय को मार दिया। सो यार वीडियो बन नहीं पाएगी पूरी रात वाली। सो अभी हम चल के देखते हैं जो मैंने कल लिखा था वो मतलब अभी लिखा हुआ है या मिट चुका है। सो सॉरी यार वीडियो नहीं बन पाएगी रात वाली। सो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं आगे। सो गाइस ये हमारा मेन कमरा, चलते हैं अंदर देखते हैं यहाँ पर लिखा है नहीं लिखा हुआ। पहले ऊपर दिखा दो जो लिखा हुआ था यहाँ पे, बी सीरियस, और जो यहाँ पे कुछ लिख लेगा उसके दंड मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। सो गाइस या तो किसी बच्चे की मतलब हरकतें यहाँ लिखने लिखने की, या सच्ची में यहाँ भूत है यार, मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वही रात को मना कर रखा है बाहर निकलने के लिए, और ऐसे भी यहाँ पर अकेले हैं। सो वही, सो गाइस आज के लिए इतने काफ़ी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं और ब्लॉग में रहेंगे उत्तराखंड के, अभी क्वारंटीन तक तो नहीं आ पाएंगे, क्वारंटीन के बाद ही आएंगे जो आएंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि जिससे आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहें। सो गाइस चलता हूँ मैं, अब रहता हूँ अलविदा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो चलो।